बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय के कुलगीत हेतु सभी अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। विश्वविद्यालय का कुलगीत बिलासा में बिलसता विश्वविद्यालय अटल है, बिलासा में बिलसता विश्वविद्यालय अटल है। महामाया की कृपा बरसती जिस पर धवल है, हमारा विश्वविद्यालय अटल है। योग कौशलम करुणस सुमंत्रित ज्ञान का मंदे सिचा शिवनाथ अरिपासनिल से विज्ञान का मंदे गढ़ा छत्तीस गढ़ के गढ़ में नालंदा नवन है, हमारा विश्वविद्यालय अटल है। शहीदों संत कवियों की माटी काल हीरों के जवारा चतुर्गढ़ मल्हार संस्कृति के नजीरों के सनातन सृजन से संधान का संकुल सकल है, हमारा विश्वविद्यालय अटल है। पर्वत काननों से सुसज्जित आदि सभ्यता से प्रकृति की भव्यता से दिव्यता से नाद्यता से उदधि सा धीर व्यापक व्योम सा भूसा अचल है, पवन सा सतत सक्रिय प्रखर रवि सा जो प्रबल है, हमारा विश्वविद्यालय अटल है, हमारा विश्वविद्यालय अटल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी सर, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर एलपी पटेरिया सर, नगर निगम के सम्माननीय आयुक्त अमित कुमार आईएएस, हमारे विश्वविद्यालय से सतत संपर्क में रहने वाले आदरणीय आर के सचदेवा साहब, मैडम किरण सिंह सामाजिक कार्यकर्ता, और हमारे अमित कुमार सर का आईएएस का पुष्प गुच्छ देकर विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। पुनः निवेदन कि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी सर का पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। पुनः निवेदन शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर एलपी पटेरिया सर का पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव और हमारे साथी प्राध्यापक आर के सचदेवा सर का स्वागत आदरणीय कुल सचिव महोदय के द्वारा। हमारे बीच उपस्थित किरण सिंह जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन माननीय कुल सचिव महोदय के द्वारा। बिलासपुर संभाग के एडिशनल डायरेक्टर उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा नियंत्रक आदरणीय पांडे सर का स्वागत। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कुरैशी साहब से निवेदन कि विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री शैलेंद्र दुबे का पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। साथियों,
आज हम एक विशेष प्रयोजन से यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं। विश्वविद्यालय के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है जब हम माननीय प्रधानमंत्री को विशेष रूप से यहाँ पर सुन पाएंगे, जो जम्मू से पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे पीएम उषा कहा जाता है, इसका पूरा पूर्व नाम रूसा था, RUSA, अब ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा हो गया है। इसके तहत मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से वित्तीय सहायता देने हेतु आवेदन आमंत्रित किया था पूरे भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से और महाविद्यालयों से। इसी के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से हमें निर्देशित किया गया, सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को, कि वे पीएम उषा के तहत ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन यथाशीघ्र भरें और उसी के तहत अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों ने, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने और उच्च शिक्षा विभाग के विशेष निर्देशन में महाविद्यालयों के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा रायपुर में कराया गया था और उसके पश्चात महाविद्यालयों ने और विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन माध्यम से पीएम उषा के पोर्टल में जाकर अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। मित्रों, इस परियोजना के तहत तीन वर्गों में विभाजित किया गया था। एक मेरु मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च एकेडमी और दूसरा आपका GSU, ग्रांट टू स्ट्रेंथन यूनिवर्सिटी GSU, और तीसरा महाविद्यालयों को। मैं आदरणीय कमलेश सर से निवेदन करूंगा कि आगे आकर अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। तीन विभिन्न वर्गों में वित्तीय अनुदान देने हेतु पीएम उषा के तहत ये कार्यक्रम जारी किया गया था और हमने स्ट्रेंथन